दोस्तों, आज अपना कैंपिंग नहीं होने वाला, आज अपना होने वाला है मोटो व्लॉगिंग, क्योंकि मैं एक नया एक्शन कैमरा बाय किया हूँ। तो उस कैमरे को टेस्ट करने के लिए अभी आज अपन करने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग। थोड़ा सा इसका स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। आज थोड़ा एक लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं अपन, लगभग 200 किलोमीटर का राइड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा नाश्ता किया जाए, भूख लग रहा है और मैं नाश्ता किया नहीं हूँ आज। तो छोटा सा होटल मिला मेरे को, वहाँ पे करेंगे नाश्ता।
हम पहुंच चुके हैं अभी ढोलकल। अभी ट्रैकिंग है, यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे। चलो बने रहिए। आप लोग कहाँ से हो भाई? आप लोग कहाँ से हो? दंतेवाड़ा से। अच्छा, दंतेवाड़ा से कभी नहीं आए हो? अच्छा, मैं जगदलपुर। ये कुछ ऐसा है जंगल, ये जंगल के अंदर सो रहा अपना ट्रैक। ट्रैकिंग एक ऐसा चीज है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मगर अब करना तो पड़ेगा क्योंकि बप्पा के दर्शन जो करने हैं। इतना बढ़िया लग रहा है यार, बहुत प्यारा जंगल है। काश मेरे घर के पास होता, मैं तो घर जाता ही नहीं यार, बस जंगल में कैंपिंग कर करके अपना घर बना लेता। बहुत सुंदर लैंडस्केप है। अभी पानी नहीं है मगर यहाँ झरना हुआ करता होगा, हल्का हल्का पानी है, गर्मी की वजह से सूख गया शायद। यहाँ से उतरना है नीचे। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया। ये देख लो ऊपर से नज़ारे ढोलकल गणेश जी के पास। ये देखो यार, हालत ख़राब हो गया। बहुत ऊंचाई में है यार। ये देखो गणेश जी, तो यहाँ से ऐसे उतर के
गणेश जी के पास जाना पड़ेगा, चलते हैं दर्शन करते हैं। चलो तो ढोलकल गणेश जी का, गणपति बाप्पा का दर्शन कर लो दोस्तों। कितना सुंदर मूर्ति है पहाड़ के ऊंचाई में, यहां से नजारे देखो। और आ मेरा बैग, मैं वहां से ऐसे नीचे उतर के यहां से आया। और इसके नीचे कुछ नहीं है, खाई है, ये पहाड़ों के बीच में एक आइलैंड सा है। हेलो पंडित जी, बहुत खतरनाक चढ़ाई है दोस्तों, हलवा नहीं है, हर कोई नहीं आ सकता, कोशिश करो, दम है तो आ जाओ, मुश्किल बहुत है। मैं तो बिना माउंटेन ड्यू पिए आ गया, शायद पीता तो और थोड़ा इजी होता। तो पापा के दर्शन हो गए, राम महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर, वो देखो उस पहाड़ में। तो चलो अब उतरते हैं, यहाँ से ऐसे उतरना पड़ेगा और फिर वहां से ऐसे चढ़ के और वही ऊपर ऊपर से पत्थर को लांगते हुए नीचे जाना पड़ेगा और फिर वापस। इतना दूर का ट्रैक, हालत खराब होने वाला है गाइस, बहुत मुश्किल था। चलो चलते हैं वापस क्योंकि सनसेट हो गया और फिलहाल मैं यहाँ पे अकेला हूँ और अंधेरे में क्रॉस नहीं करना चाहता घना जंगल, तो जिससे पहले अंधेरा हो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। चलो फिर कभी आएंगे दोस्तों के साथ, गणपति बप्पा मोरिया। चलो नजारे देखो, तो अपना दर्शन हो गया कंप्लीट, अभी ऑफ ट्रैक वापस जाना है फिर से ट्रैकिंग। चलो निकलते हैं, ले रहा था थोड़ा रेस्ट ये रास्ता। चलो कसम से यार, बहुत हार्डकोर दर्शन हुआ मेरा, ये ट्रैकिंग मैं अपनी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। ये 4 किलोमीटर तो पक्का नहीं है, अरे यार मैं कितना बेवकूफ हूँ, ट्रैकिंग के लिए मैं सैंडल्स पहन के आया हूँ, मेरे उंगली पूरे छिल चुके हैं, पानी खत्म। क्या ट्रैकिंग है यार, फाइनली ट्रैकिंग खत्म हो गया, पहुंच गया मैं अपने बाइक के पास। क्या मैं ये जगह रेकमेंड करूंगा, ऑब्वियसली करूंगा, सबके सब आओ जाओ दर्शन करो, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लो, मगर मेरे को कोई गाली मत करना, सफिशिएंट पानी लेके आना। तो चलो मैं पहले जाऊंगा पानी पीऊंगा,
बाद में मिलता हूँ आपसे।